हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज 2.0। गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरे मीम्स चैनल से डैंक इंडियन मीम्स, फनी मीम्स, ट्रेंडिंग मीम्स, नॉन वेज मीम्स, फनी रैंडम मीम्स कंपाइलेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सनम, देखो हम साफ साफ बात करते हैं, हम तुमसे भयंकर प्यार करते हैं और तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम नहीं करती हो तो कह सकते हो, हमको बुरा नहीं लगेगा। सही में आपको बुरा नहीं लगेगा? मैं नहीं मानती। कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। क्या आपको ये निकाह कबूल है? है, वाह, भयंकर प्यार है। अब तो चांदी चांदी हो गई भैया। भाई ये क्या है, ये क्या था? लेना ले लेके ही तो थक गई हूँ, और तू है कि दे दे के थकी नहीं, बैंचोर। अच्छा ठंडा लेगी? मैं तो गरम ही लूंगी, ठंडा तू ले, मेरा तो फेवरेट केला ही है, समझ रहे हो? बैंचोद इतने बड़े कैसे हैं? अरे वो ये साउथ वाले हैं ना, बैंचोद साउथ वाले इतने बड़े होते हैं, कभी बताया नहीं? ये हर बात में बैंचोद बैंचोद बोलना जरूरी है? ना मैं शादी कम से कम बड़ा तो मिलता, इसके लिए तो बोलना पड़ेगा साली चूतिया है, एक नंबर की हद है यार। वाह क्या सीन है। दो कहाँ जा रहे हैं भाई? अबे! टपाटप टपाटप टपाटप, ये क्या था? फिर सब लोग कहते हैं कि MMS वायरल हो जाता है, यही करती रहोगी तो MMS तो वायरल होगा ना। कोई स्कूल भेज दूंगी। क्या सीन है। ये कौन सा स्कूल है जहाँ पुताई के पैसे नहीं है, पेंट के पैसे नहीं है, क्लास में एक ढंग का ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड ढंग का नहीं टंगा हुआ, मतलब लेकिन आशिकी करने के लिए है यहाँ पे सब कुछ। क्या हो गया? ये कालू ये नहीं कि वो हाथ से उठा के डाल दे। 51,000 लगेंगे एंट्री के। हाँ। ये जीजू है ना, अभी बने नहीं है तुम्हारे, ये बारात खड़ी है ना, वापस भी जा सकती है ये। नाराज हो जाएंगे। भैया आप तो कह रहे थे लड़के वालों का दिल बहुत बड़ा है, ये तो इतनी कंजूसी कर रहे हैं। अरे इतना बड़ा तो खली का नहीं है जितना बड़ा हमारे भैया का है। क्या बोला तूने? दिल। प्यारी समझ गई। दिल 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 की बात कर रहा हूँ, दिल बहुत बड़ा। सारे के सारे बात देख रहा था यार। खुद भी डिग्गी में पैक हो गया।
अरे चचा उतरो। रुको जरा, सबर करो। अरे यार पहले वाला ज्यादा अच्छा था। ये रीमेक बनाना जरूरी था क्या? मतलब यार अच्छे खासे गानों का सत्यानाश कर रखा है बिल्कुल। मतलब कुछ गाने जो रीमेक बनते हैं वो अच्छे लगते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं, उनमें एक नया टच आता है, लेकिन भाई कुछ गाने जो होते हैं वो ओरिजिनल ही अच्छे लगते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें तो भैया तुम्हारे मतलब मोटिवेशन के चक्कर में, मतलब तुम्हें अगर इंस्पिरेशन ख़त्म हो गई है गाने बनाने की, ठीक है, तो कुछ दिन का ब्रेक ले लो, कुछ दिन का ब्रेक ले लो, या कुछ ऐसी जगह पे चले जाओ, घूमने चले जाओ, कहीं चले जाओ कि हाँ मोटिवेशन मिल सके, इंस्पिरेशन मिल सके गाने लिखने की। लेकिन ना भैया, जो गाने हैं ऑलरेडी उन्हें ही धुने पड़े उन्हें ही, हद हो गई यार। मतलब सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।